हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। यार, इस समय आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो रिजल्ट है अभी तक आया नहीं है, तो ऐसे में हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार देखो, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वह है 5 अक्टूबर, मतलब 5 अक्टूबर से पहले पहले आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब नोटिस आया था तो उसमें एक बात ये भी साफ साफ लिखी गई थी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने IPU CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और वे क्वालिफाई हुए हैं, सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो नॉट क्वालिफाई हैं, मतलब जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। आपके रिजल्ट में लिखा होगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं, और रिजल्ट अभी आया नहीं है। अगर ऐसे में अभी आप अप्लाई कर देते हैं और बाद में मान लीजिए आप क्वालिफाई ना हुए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके जो 1000 रुपीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप अभी थोड़ा सा वेट करिए। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं रिजल्ट आने का। आप रिजल्ट का वेट करिए और रिजल्ट आने के बाद अगर आप क्वालिफाई हों तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना आपके जो 1000 रुपीज़ हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोगों को इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पे आपको अपडेट मिल जाएगी। बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।